सो गाइस, कल हम पहुंच गए थे अपने होटल। होटल का नाम है बर्ड्स व्यू कसौली, और ये पैराडाइज वैली से हार्डली 20 मिनट्स का डिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। पर कल यहाँ पहुंचने के बाद वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बारिश बहुत तेज हो गई थी, इस कारण हम कुछ शूट नहीं कर पाए। तो हम आज शूट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे अपना कॉटेज, और कॉटेज दिखाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसके सामने का व्यू। इतना ज़्यादा शानदार है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा। सो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कॉटेज। कॉटेज जो कि विंटेज लुक में बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। सो ये गाइस किंग साइज बेड देखिए, बहुत ही सुंदर इसमें सीनरी लगाई है, और साइड पे वुडवर्क बहुत ही सुंदर हुआ हुआ है, और ये क्यूट सी ड्रेसिंग, और इसके साथ है ये कवर। और आइए हम आपको दिखाते हैं, ये है सिटिंग अरेंजमेंट। डे टाइम में तो इसको हमने सिटिंग रूम की तरह किया था, और नाइट में हमने इसको ये टेबल हटा के इन दोनों को सोफा कम बेड बना के सोए थे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह इन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। और इस साइड है हमारी बहुत ही स्मॉल सी कम्पैक्ट सी किचन, देखिए कितनी सुंदर है, यहाँ भी सारा वुडवर्क हुआ हुआ है। और इस साइड है डाइनिंग टेबल कि आराम से बैठ के खाएं, हमने सुबह का ब्रेकफास्ट यहीं किया है, और इसके साथ प्रोवाइड है ये छोटा सा फ्रिज। सो गाइस बहुत ही सुंदर है, बहुत ही विंटेज लुक में बहुत ही सुंदर कॉटेज है, 4 पीपल का कॉटेज है। हमने यहाँ बहुत रात को बहुत मजा आया, वेदर इतना अच्छा था, और रूम इतना स्पेशियस है कि मजा आ गया। थैंक यू गाइस। ये है जी हमारे कॉटेज की एंट्री, और ये सारा का सारा हमारा प्राइवेट स्पेस है। अभी आपको मैंने जो कॉटेज दिखाया वो यहाँ अंदर था, और ये सामने का व्यू चेक करिए जरा, इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त व्यू है, बहुत ज़्यादा। वो देखो इस क्लाउड्स कैसे वहाँ से आ रहे हैं, मैं एक मिनट जूम इन करता हूँ, वो चेक करिए कैसे क्लाउड्स बन रहे हैं। और ये सारा का सारा चंडीगढ़ दिखता है सामने से, यहाँ सामने से सुखना लेक भी दिखाई देती है, पर अभी क्लाउड्स के कारण दिखाई नहीं दे रही है। गाइस कॉटेज हमने आपको अपना सारा का सारा दिखा दिया है, बहुत ही शानदार कॉटेज था, और अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी प्राइसिंग। सो ये हमें पड़ा है जी 8500 में फॉर वन नाइट 4 पीपल के लिए, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है तो प्राइसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं। और हमने स्टूडियो क्वार्टर के साथ साथ 3 रूम्स और भी बुक किए थे, जो कि हैं सुपर डीलक्स रूम्स, और उनमें से आपको अब मैं एक रूम दिखाने जा रहा हूँ। गाइस ये यहाँ का सुपर डीलक्स रूम, राजे महाराजे वाली फील आ रही है पूरी की पूरी। और ये देखिए यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, और ये है यहाँ का मिरर, और यहाँ अलमीरा, और ये यहाँ का वॉशरूम। वॉशरूम भी डिसेंट है, थोड़ा रंग बिरंगा ज़्यादा है। सो अभी आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ये देखिए क्या व्यू है यहाँ से, नज़ारे नज़ारे, वाव यार वाव, ब्यूटीफुल। और ये पूरी पूरी बालकनी इसी रूम की है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक पूरी बालकनी इसी रूम की है, बहुत ही बढ़िया है। और जो इसका नाम है वो परफेक्टली सूट है इसके लिए, बर्ड व्यू, क्योंकि यहाँ से हम परिंदे हैं कि नहीं ये नहीं पता, पर यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा शानदार है। ये देखिए अभी मैं दिखा रहा था, पीछे कोई क्लाउड्स नहीं थे, पर अब देखिए कैसे क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं हर जगह, क्यों। सो अब आपको मिलते हैं हम बाहर साथियों के साथ, क्योंकि अब हम निकलने लगे हैं कसौली के लिए, आपको कसौली के सारे पॉइंट्स दिखाएंगे और अपने साथ घुमाएंगे। ओके तो गाइस हम पहुंच गए कसौली मार्केट, और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सारी जनता हमारी पीछे दौड़ रही है, गाड़ियाँ हमने पीछे लगा दी हैं, पार्किंग लगाने की जगह नहीं है। ये देखिए जून में आने का फ़ायदा कि सबको लाइनों में खड़ना पड़ता है। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं जी कसौली माल रोड, और आपको एक एक करके सब चीज़ एक्सप्लोर कराएंगे। और सबसे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं चर्च, जो कि यहाँ 1844 की बनी हुई है, और इसका आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अभी मैं देख रहा हूँ अपने सामने, अभी आपको भी दिखाता हूँ। सो गाइज हम नीचे चर्च से ऊपर आ गए हैं। सो बेसिकली यहाँ पे और जो पॉइंट्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। सो पहला पॉइंट है यहाँ पे गिरबल ट्रेल, और सुसाइड पॉइंट, लवर पॉइंट, और सनसेट पॉइंट, ये चारों पॉइंट एक जगह पे हैं, और एक है मॉन्की पॉइंट, वो डिफरेंट जगह पे है। सो अभी हम बाकी पॉइंट्स के लिए जा रहे हैं।
सांस फूलने लगे मेरी बहुत ज़्यादा क्योंकि हमें ट्रैक करके जाना पड़ रहा है। और पीछे आप ग्रीनरी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि मज़ेदार हो सांस चढ़ रहा है भैया। चलो और हमारे साथ हैं हमारे साथी, ये देखिए एक है भालू और ये लड़की जो बोलती नहीं बिल्कुल भी, एक गूंगी बच्ची और इसकी हिम्मत देखिए और एक गूंगी बच्ची के भाई बस बदल ही आ गए जमीन पे। तो पहुंच गए सनसेट पॉइंट और पीछे का व्यू चेक करो, बादलों में बैठे हैं ऐसा लग रहा है, सन तो नहीं निकला पर हम जरूर पहुंच गए यहाँ तक। क्यों भाई औखा तो नहीं था पहुँचना? बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल, गाड़ियाँ शुरू करो यहाँ पर और सभी यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड आया हुआ है। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे इंजॉय कर रहे हैं और वहाँ भी बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, ये फोटोग्राफी, बड़े बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं और छोटे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। हैं ये शपथ लेने का स्थान है, अरे मजाक ना कर, अब पीछे मिलिट्री वाले नाले फट लेना उन्होंने, आई हो तुम हो। सो जैसे आप ऊपर आएंगे सनसेट पॉइंट से आपको देखने को मिलेगी टक शॉप, जहाँ पर अवेलेबल है मिलिट्री की बैजिंग की टी शर्ट्स, की चेन्स और भी बहुत सारी आइटम्स हैं, आप कुछ भी परचेज कर सकते हैं। सो बारिश बहुत ही तेज़ स्टार्ट हो गई थी तो इसके कारण हमें नीचे आना पड़ा सनसेट पॉइंट से। सो अब हमने छाते ले लिए हैं और माल रोड एक्सप्लोर कर रहे हैं और सबसे पहले अब आपको दिखाते हैं यहाँ की हेरिटेज मार्केट, जहाँ पे हम डिफरेंट फूड आइटम्स एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। की गाना? मैंगो दशहरी मैंगो। दिमाग ना खा मेरा, मैंगो गाने दशहरी मैंगो खाएगी तू है? कुछ नहीं मिलना है, इतना नहीं जकारा है शेरा वाली का साचे इधर माँ के प्यार, माँ के प्यार की ले अभी शावर मिल रहा है, शावर 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 ओ शावर 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 ये किसी और ने लिए और किधर की बन समोसा हम पहुंच गए कसौली की बहुत ही फेमस शॉप है नरेंद्र स्वीट्स और यहाँ हम टेस्ट करेंगे अभी बन समोसा और बन गुलाब जामुन। सो गाइस हमारा बन समोसा आ गया है, ये देखिए बन के बीच में इन्होंने डाला हुआ है जी समोसा, चटनी चने और बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है देखने में, अब मैं खा के बताता हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा क्रंची है जो समोसा ने डाला हुआ है इन्होंने, बहुत ही शानदार है और जो चने के साथ उन्होंने फीलिंग की हुई है बहुत ही टेस्टी है। सो आप यहाँ आएँ तो ये ज़रूर टेस्ट करेंगे। बन समोसा हमने टेस्ट कर लिया है और अब आ गई है जी बन गुलाब जामुन, मारा खोल के दिखाइए इसे, ओए होए 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 कहर कहर ढा रही है, अब सारे टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके बताएंगे। मंशिया कर भी टेस्ट है, मंशी खाएगी सोच ही रही है ऐसे बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर होगा इसका, कैसा है? बहुत ही अलग है, इसका भी खाया नहीं आज, खा लिया। तो खाएं लोग के ना खाएं बताओ, खा ले आदि जी आपका अच्छा है आपका सर बहुत ही अच्छा है तो आपको पता लग ही गया होगा कितना अच्छा है, गजब बेइज्जती है मुझे सरकास्टिक वे में बोल। अब ईशान लकरमान खाएंगे, चलो मैं टेस्ट करता हूँ ये बन गुलाब जामुन, अब देखते हैं कैसे का इसका टेस्ट है, बहुत यूनिक सा लग रही है, पहली बारी मैं खाने जा रहा हूँ तो कैसा लगा? ये गुलाब जामुन को साइड पे करो, बन को साइड पे करो, तभी अच्छा है। सही बात है। सो गाइस हमने दोनों चीज़ें टेस्ट कर ली हैं, बन समोसा भी और गुलाब जामुन भी, गुलाब जामुन तो आप टेस्ट ना ही करें तो ही अच्छा है हमारे साथ भी मजाक हुआ है, सो आप प्लीज़ टेस्ट ना करें। बंद समोसा इनका अच्छा है वो खा सकते हैं पर बंद गुलाब जामुन तो जय माता की। हमारे हिंदी फिल्मों के
जो बहुत ही बड़े स्टार रहे हैं, सुपर विलन स्टार जो है अमरीश पुरी जी, ये उनके भाई आपसे मिलके हम खुश हुए। तो गाइस भैया हमारे लिए बना के ले आए हैं वेजी पिज़्ज़ा। आज इनका पिज़्ज़ा मैन छुट्टी पर था, पर फिर भी हमारे कहने पर ये बना लाए हैं। सो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है। सो अभी आपको खा के बताते हैं कि कैसा है इसका टेस्ट। बस रख दो जी, ठीक है। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। अब खाते हैं और खा के बताते हैं कैसा है इसका टेस्ट। वंशिका वनी कर रही है फोटोग्राफी। गाइस अब हम आ गए अपने होटल वापस। चलो सब ने कर लिया जी एंजॉय एक सॉलिड ट्रिप, और अब सब चल रहे हैं वापसी के लिए। हेलो कर दो जी। हेलो हेलो, पूरा एंजॉय किया, फुल एंजॉय, मस्ती एंजॉय, बाकी है अभी। चलो सो गाइस सभी यहाँ पे खेल रहे हैं पत्ते। करो ओपन, करो ओपन। और यहाँ पे खेल रहे हैं जी कैरम बोर्ड, पापा पलटा जी और अजीब जैन जी। हाँ जी कर रहे हैं एंजॉय, बहुत मजा। ये भैया आए हुए हैं दिल्ली से, आज इनका बर्थडे है। सो हम सारे इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में दिल मेरा, मानो तेरी सूरत की है चांदी सा ढका, मेरे दिल का सोना भी खरा, ये तेरी चांद बालियां है होंठों पे गालियां, ये तेरी चांद बालियां है होंठों पे गालियां, सोचने का मौका ना दिया है, मैं तो तेरे पीछे बोलिया है, मैं तो तेरी छुपे जागरा, मैं तो तेरे पीछे बोलिया।